पूरे देश भर समेत पूर्णिया जिले में भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के पूरी तैयारी के बीच कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। बता दें कि चयनित सभी 9 टीकाकरण स्थल पर सभी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने सदर अस्पताल में फीता काटकर टीकाकरण का उद्घाटन किया। कोविड-19 टीकाकरण के शुभारंभ के बाद जिला पदाधिकारी ने बताया कि टीकाकरण के प्रथम चरण में केवल पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका दिया जाएगा। जिले में प्रथम चरण के लिए 13,888 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया गया है, जिसमें पहले दिन 900 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। सभी को कोविड-19 टीका का 2 डोज 28 दिनों के अंतराल पर लेना है। टीकाकरण स्थल पर लोगों की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम भी करवाया गया है। सभी टीकाकरण स्थल पर 3 कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम कक्ष वेटिंग रूम के लिए, दूसरे कक्ष में टीका लगाए जाने एवं तीसरे कक्ष में टीका के पश्चात किसी तरह की परेशानी न हो इसके सत्यापन के लिए 30 मिनट तक निगरानी के लिए बनाया गया है। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर टीकाकरण स्थल पर जरूरी सुविधाओं के साथ चिकित्सा पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी राहुल कुमार के अलावे सिविल सर्जन उमेश शर्मा, SDM विनोद कुमार, सदर विधायक विजय खेमका समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्य के साथ आज पूर्णिया जिले में भी कुल 9 केंद्रों पर आज कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और आज लगभग 900 लोगों को टीकाकरण का आज लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में जिले के चिन्हित 13,888 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको इस फेज में टीकाकरण किया जाएगा और ये अभियान हम लोग लगभग 2 सप्ताह में पूरा करने की कोशिश करेंगे। विश्व की सबसे बड़ा ये टीकाकरण है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज 10:30 में इसका शुभारंभ किया। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10:45 में इसका शुभारंभ किया और आज हम सब पूर्णिया की जनता, मैं तो ये कहूँगा कि पूर्णिया की जनता ने आज सदर अस्पताल से इसका शुभारंभ किया है, जिसमें जिला पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और इस टीकाकरण के साथ ही पूर्णिया की जनता में, बिहार की जनता में एक उत्साह है कि हम सुरक्षित हो गए हैं और ये स्वदेशी टीका है। सबसे पहले मैं देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दूंगा पूर्णिया की ओर से, बिहार की ओर से, कि उन्होंने उनके अथक परिश्रम से ये स्वदेशी टीका बना और वैक्सीन बना, जिसका उपयोग आज प्रारंभ हुआ है। जो अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी को पहले चरण में ये टीका लगेगा और उसके बाद कोई घर, कोई व्यक्ति ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिनको कि टीका नहीं लगेगा। इसलिए शिक्षण है, ऐतिहासिक दिन है। मैं सारे लोगों की स्वस्थता की कामना करता हूं और ये कामना भी करता हूं कि इसी केंद्रों से, जो हमारे पूरे जिला में आज 9 केंद्र हैं, आज यहां प्रारंभ हुआ और एक प्राइवेट केंद्र मैक्स में भी इसका शुभारम्भ हुआ है, उसके बाद PSC पर भी होगा। 18,000 जो हमारे ऐसे कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो जुड़े हुए इनसे, उनको पहले चरण में लगेगा और उसके बाद जो बना हुआ है उसके अनुसार लगेगा, लेकिन टीका लगेगा। हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ सारे जो हमारे पूर्णियावासी हैं उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि आप घबराएं नहीं, जो व्यवस्था जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनी हुई है उसको आप फॉलो करें। आपके घर तक सूचना जाएगी कि कब आपको टीका लगेगा, कौन से बूथ पर टीका लगेगा, किस समय में लगेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार करें और स्वस्थ रहें। पूर्णिया में 8 जगह और एक प्राइवेट मैक्स हॉस्पिटल में सब जगह टीका लग रहा है कोविड का और हमारी व्यवस्था पूरी है। मेडिकल टीम तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है, AEFI किट तैयार है, सारी हमारी व्यवस्था है। सर, पहले चरण में किन्हें लगने हैं 13,800? वो हमारे साथ कर्मियों को, और यहाँ हमने शुरुआत की है, हमारे फार्मासिस्ट को पहला टीका लगा यहाँ, और एम्बुलेंस कर्मी और फोर वॉलेट जो है ना, उनसे हम लोगों ने शुरुआत किया है। मैक्स में भी उन्हीं से शुरुआत होगी, सब जगह यही प्रोटोकॉल है।